फिर क्या होता है? प्रमाद, आलस और निद्रा। देखिए स्वर्णमयी लंका थी, किंतु रावण रूपी प्रमाद, मेघनाथ रूपी आलस और कुंभकर्ण रूपी नींद आकर वास कर गए लंका में, तो एक बंदर आके जला के चला गया। ये स्वर्णमयी लंका है हमारा शरीर। इसमें अगर प्रमाद, आलस और निद्रा को ले आओगे तो ये नष्ट हो जाएगा। बी एक्टिव, बी एक्टिव। और मैंने कल कहा था, शुभ संकल्प लो और शुभ कर्मों में निरत रहो अप टू द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हम 100 वर्ष तक जिए, ये उपनिषदों का उपदेश है। ईसावास उपनिषद में कहते हैं हम ऐसी कामना करें कि हम 100 वर्ष तक जिए। और कैसे जिए? जीवन के अंतिम क्षण तक हम कर्म में निरत रहें। ये नहीं कि हम आलस करके बैठ गए। अगर आप आलस में बैठ गए तो जीवन खुटल हो जाएगा।